यदि आपको गोपालन सीखना है तो कहीं और क्यों जाना, हमारी वैदिक गोपालन विद्या ऐप को डाउनलोड करें और गोपालन सीखें। जय गो माता। साथियों, आज बहुत एक दुर्लभ मेहमान आए हुए हैं हमारे यहाँ, जो आपको मैं उनका परिचय करवाता हूँ। आचार्य शास्त्री श्री गोविंद राम जी, वो उस जगह से है जहाँ स्वामी राम सुखदास जी की दीक्षा हुई थी और जो उसका गुरु स्थान है। तो वो जगह राजस्थान के जोधपुर से आगे 65 किलोमीटर रामधाम खेड़प्पा जगह का नाम है। और मैंने आज तक ऐसी जगह कहीं नहीं देखी है कि वहाँ लोग अपने बच्चे का दान करते हैं, अपने लड़के का दान करता है। और वहाँ के जो मंदिर की परंपरा, अपने हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति की परंपरा जो है, उसमें वो बच्चे समर्पित हो जाते हैं सहृदय भाव से, परिवार की तरह। उसके माता पिता भी वहाँ आते जाते रहते हैं, एक एक जैसे परिवार का ही ऐसा एक मंदिर है वहाँ। और ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना मंदिर है। वहाँ की बहुत अच्छी परंपरा है। और वहाँ से जो अभी शास्त्री जी गोविंद राम जी जो यहाँ पधारे हैं, वो कथाकार है, कथा करते हैं, आध्यात्मिक जीवन भी उसका ऊंचा है और ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत है उसके पास। और उनका अभी जो भाव है वो गाय के प्रति इतना मजबूत है कि अब उनके मन में ये बन रहा है कि मैं मतलब गाय के ऊपर ज़्यादा काम करूँ, बाकी सारा छोड़ के। और आज वो सच में कर रहे हैं। वहाँ पे 6000-7000 गोवंश तो ऑलरेडी है। और उन्होंने अभी थोड़ा गिर गाय के ऊपर भी एक छोटा सा डेमो बनाने का चालू किया है। तो ऐसे साधक जो साधक जीवन में गाय के साथ जुड़े, वो बहुत दुर्लभ होते हैं। और वो दुर्लभ व्यक्तियों में से एक है जो मैं उनको गुरुतुल्य मानता हूँ। और ख़ास करके मुझे उसका बहुत स्वभाव बहुत पसंद है और उम्र भी बहुत छोटी है। एकदम सिंपल, खेत में जाते खेत में बैठ जाते, गौशाला में जाते गौशाला में बैठ जाते, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। मतलब इतना एकदम निर्मल व्यक्तित्व आज ऐसे जीवन में बहुत दुर्लभ मिलता है। तो वो आज हमारे यहाँ मेहमान बन के पधारे हैं और आगे हम साथ मिलके गोमाता का, स्वरोजगार का, आत्मनिर्भर भारत का, गाय किसान और कृषि और आम नागरिक का विकास के लिए ग्रामोद्योग के विषय में काम करेंगे आगे जाके। जय गो माता, भारत माता की जय। गन्ना है ये अपने ही खेत का गन्ना है। प्रारंभ में आपने एक दो ही गाय लेके आए? हाँ, नहीं, गाय तो हमारे दादा परदादा से ऐसे ही थी, एक दो। पर सिर्फ गाय पे ही जीवन आ गया उसको 15 साल। उससे पहले गाय थी, एक दो गाय रेगुलर रही है। दिन में चारे का समय इनका अभी ये? हाँ, ये सुबह मिलता है और एक अभी और एक शाम। जहाँ पे अगर हरा चारा ना हो उनको फिर क्या, कैसे क्या? उनको थोड़ा दिक्कत रहता है, हरा चारा जो है ना वो पानी की कमी से निकल जाता है। और सूखा चलेगा तो पानी ज़्यादा पिए? हाँ, वो अंदर और खींचेगा पानी। आपके क्षेत्र में सिर्फ हरा चारा गाय को उपलब्ध हो जाएगा ना? हाँ, गाय की और दूध की पूरी काफ़ी भी बदल गई है क्षेत्र भी है। ये तो गर्म है। हाँ, उसमें पानी को खींचने वाली ही चीज़ खिलाते सब लोग, जनरल टोटल। जैसे गवार फली है, मूँगफली का भूस है, आप उधर गेहूँ का भी खिलाते हैं। हाँ, गेहूँ का खिलाते हैं। तो उससे वो सारी चीज़ें गर्म है, मूँगफली भी गर्म होती है, मूँगफली क्षेत्र भी गर्म है। अभी हमें मूंगफली लेके आए हैं तो क्या मूंगफली देना? नहीं, वो नहीं देना चाहिए ऐसा नहीं है। गेहूँ का और गवार का, उससे तो 10 गुना मूंगफली 1000 गुना सही है। मूंगफली का जो है ना, हमारे यहाँ बहुत समय से मुख्य खुराक है। मसूर भी देना चाहिए, गेहूँ गर्म करता है। हाँ, पर ये गवार मसूर ये दो चीज़ तो जो है ना ठंड में ही देना चाहिए, बारिश जैसे अब ठंड लग रही है। सारी गौ माताओं के नाम आपको, सारे सब का नाम, सब के नाम का नाम। ये
जैसे ये इसका नाम नैना है ना, तो इसके माँ, माँ की माँ, दादी, भाई बहन सबका नाम न से ही होता है, उससे उसकी एक पहचान बनी रहती है। उसके कान में नंबर होंगे, नियम सीरीज लगी हुई है। ये उनकी बेटी है, उस हिसाब से कारण है ऐसा या ऐसे याद नहीं, उससे हमें याद रहेगा ना, ब्रीडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें गलती हो जाए, जैसे टी और एन वो दो देख लिया, अब टी और एन एक बात पक्की है कि ये टी है तो भले उसका आपको नाम और कुछ याद नहीं है, लेकिन टी है तो ये टिल्ली वाली लाइन से है, तिलक वाली लाइन से। मैंने गाय अभी मेरी लास्ट वाली 32 साल की रचिता हो गई, रचिता की इसमें 36 है, 36। और रचिता गाय एक ऐसी थी उसने 32-70 दिन का दूध दिया था, राजस्थान की धरती में रही थी और उसकी लाइफ में उसने कभी गोली नहीं खाई, बीमार। यहाँ पे भी एक बार FMD हो गया था हमारे यहाँ, पूरे मोहल्ले में किसी का भी छोड़ा नहीं था, तो मुँह में छाले में पाँव में हो जाता है ना वो, हाँ जिसको हमारे वहाँ पे पुराड़ा। तो नसीता के वंश में किसी को नहीं हुआ, उसके बच्चे जितने थे ना उसको भी नहीं, किसी को भी। उस समय हमारे पास 22 थे नसीता, तो बाकी सबको हो गया संक्रमित, वो हवा से खेलने वाला भाई। हमारे 3 साल पहले बड़ी वाली गौशाला सफेद है, उसमें लगभग सब तो बहुत खतरनाक, फेफड़े के पर्दे कड़क हो जाते हैं, और जो है ना वो कम होता है। मतलब एक बछड़े को या बछड़ी को कितना दूध पिलाना चाहिए, जैसे हमने थोड़ा सा ज़्यादा पिलाना किया तो उसको पेट में फिर दिक्कत होगी, वो बहुत पतला करना। हाँ उसके लिए जो है ना उसको वो देना पड़ता है तेल और हल्दी, या हल्दी का उबला हुआ पानी। लेकिन उसका कोई लिमिट है, एक पूरा थन देना चाहिए या दो पूरे देने वो दूध के ऊपर रहता है, जैसे 10 लीटर वाली गाय है तो एक थन का 2.5 लीटर होता है, 3 लीटर वाली गाय है तो फिर एक थन का 700 ग्राम होता है। इसीलिए वो सारे जो है ना काम प्रैक्टिकली करने वाले। अपने जो दो गाय है, एक का तो बछड़ा है नहीं हमारा, तो एक के है वो 8 लीटर वाली, उसका 1-2 लीटर देना। दो लीटर तक दे से, 2-2.5 लीटर तक दे से, एक थन पूरा, एक थन दीजिए, 2 थन भी दे सकते हैं, पर उसके दूसरी केयर भी इस टाइप की होनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ 1 महीने तक तो 2 थन का पिलाते ही पिलाते हैं, परंतु हमारा क्या है कि एक सिस्टम है, जैसे किसी को लूज मोशन हुआ तो तुरंत उधर जाके उबला हुआ पानी में हल्दी डाल के उबाल देते हैं और वो पिला देते हैं। मतलब एक सिस्टम में बात होती है, वो अलग होती है, और वहाँ पे क्या होता है आपको बोलने आएगा, फिर उसकी ट्रीटमेंट करेगा, तो ये सारे संक्रमण जो है ना वो बैक्टीरियल है, तो जैसे 10 घंटे में तो बैक्टीरिया कितना बढ़ जाए। ये भी एन सीरीज से ही है, ये दोनों एन सीरीज से ये अच्छी है, वो जा रहा है वो बी से, वो खा रहा है वो डी से। आपको तो पूरी जानकारी होना स्वाभाविक है, नाम भी सबके यार। मतलब ये सारी गाय है वो उसका जन्म ही मेरे हाथ से हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो पूछने की बात नहीं है। काला नमक देना चाहिए, सेंधा नमक नहीं, सेंधा नमक श्रेष्ठ, काला नमक जरूरत हो तो देना चाहिए, ज़्यादा काला नमक चाट लिया तो गड़बड़ भी होगी, वायु वो पेट साफ हो जाता है। जा रहे हैं, ये हमारी कंपनी में होता है सब।
सारी चीजें कांच में ही चले जा रही है, तो प्लास्टिक में जा सकती है? नहीं, प्लास्टिक में जा सकती, लेकिन प्लास्टिक में इसकी जो वैलिडिटी है ना, वो डाउन हो जाएगी। ये गोबर की भस्म है अपनी गाय के गोबर। ये सोवा दाना है जो डिलीवरी में हमारे यहाँ महिलाओं को दिया जाता है, वो गाय को हम देते हैं। ये काला जीरा है, ये मोरिंगा का पौधा है। और भी बहुत सारी 50% प्रोडक्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है, कुछ प्रोडक्ट तैयार नहीं है, भरी नहीं है, काम चल रहा है। ये काला जीरा है, सामान्य जीरा अपन जो छोंक देते हैं। ये कड़वा गाय के लिए है, ये 2 चम्मच गाय को दे दो दूध की कड़वा। जीरे से ये सस्ता मिलता होगा ना? नहीं, बहुत महंगा है ये। मीठी तुलसी, ये पाउडर है, चर्म रक्षा पाउडर हम लोगों ने जो मैंने बताया था ना, वो आप कोई भी फंगल इन्फेक्शन में छाछ में मिला तो लगा दो, हम लोग को समझ लगा था। ये हमारे यहाँ की स्टोर है, बाकी तो ये सब अच्छी है, खेत की तो लगते साबुन वगैरह की तरह। ये दिए हैं गोबर के, और धूप बत्ती है, कंडे हैं, खुद पूरे पूरे हो जाते, इसके अंदर भी बत्ती हो जाता है, खुद भी जल जाता है। इसकी भी डिमांड है, इसके चप्पल बनते हैं, आसन बनते हैं। अभी इसकी हम मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यज्ञ के लिए काम आना। हाँ, इसके साथ मसाले की गाय, मसाले की ये बैलगाड़ी है, इसके साथ ये रहेगा मसाले का। नहीं नहीं, वो मिट्टी का है। अच्छा, मिट्टी का। हाँ हाँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अलग टाइप की चीज़ है। ये जैसे हम रामायण गीता जी पढ़ते हैं, हाँ, तो उसको इसके अंदर रखेंगे। अच्छा, ठीक है, फिर ये ऐसे खुलता है, ठीक है, इसके ऊपर हाँ। और इसके अंदर अपना शास्त्र रहेगा, इसके अंदर हाँ, फिर इसको खोलना है, फिर इसको ऐसे स्टैंड लगाएंगे, ऐसे पढ़ने के लिए भी यही हो। हाँ, शास्त्री भी इसी में, पढ़ो भी इसी। हाँ, ये मंदिर में रह जाएगा। ये बनाया किसने? ये हमारे हैं सब अपने स्टूडेंट। अच्छा, ये पहला ही पीस बना। हाँ, मतलब वहीं पे तो बनता होगा, लेकिन मैं अभी इसको लाया हूँ इस फील्ड में। हाँ, कि इसको पूरे विश्व में पहुँचाना है, ये अपनी कला है। अच्छा, और इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगी। ये बिलोना है, शायद आपने देखा तो है। हाँ, ये इसका वीडियो देखा था, 3 वाली मशीन भी देखी। हाँ, अभी तो ये 2 वाली है। हाँ, पर और 3 वाली आ रही है 2-3 दिन में। ये फिर आप गर्म करके जमाते हैं या डायरेक्ट ही? हाँ, गर्म करके जमाते। मैंने वहाँ पर दूध में देखा कि वो तो डायरेक्ट ही ये दही खास डेली सुबह ब्रेड आप क्या करते हैं? सुबह। अच्छा, और इसमें मिलोना, मैं मिलोना के बारे में पूछ रहा था। हाँ, कि आपने वो नौ वाल विधि बताई। ओके, और स्पीड भी कम होनी चाहिए। हाँ, तो फिर बीच में जब उसको ठंडे गर्म पानी की जब आवश्यकता होती तो वो डालते रहना। डाल सकता हूँ ना, बंद करके डाल दो। अच्छा, दिखा दो एक बार। कारण में ये रखना चाहिए इसको। हाँ, फिर बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर कानून नहीं है।
और जो ये प्लास्टिक की जो आ रही है वो मशीन है तो कभी नहीं करना चाहिए, तो एक स्पीड में चला गया वो कैंसर करने का स्पेशल काम है प्लास्टिक का। वर्षा में या गर्म में कभी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये फिर लकड़ी भी चंदन या फिर हाँ, चंदन की लाल चंदन से हाँ। वो अलग अलग कर सकते हैं आप, उसके उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे लकड़ी का है हाँ। ये मशीन या राजकोट में क्या, ये हमारी ही बना, मैंने ही बनाई है, मेरी जरूरत के हिसाब से संशोधन करके आधे हॉर्सपावर मशीन है, एक हॉर्सपावर, एक हॉर्सपावर, और ये हम बेचते भी है। अच्छा, कोई ऑर्डर देगा तो एक महीने में बना के दे देंगे। अभी इसमें स्टील मॉडल भी बना दिया, अभी एक स्मॉल भी बनाई है 5 लीटर के लिए। अच्छा, जिसको घर में 5 लीटर ही दूध है उनके लिए भी बनाई है। सर्जन ही तो अपना काम है। हाँ, सही बात। और ये मशीन है पैकिंग वाली मशीन, छाछ पैक, हाँ छाछ पैकिंग की मशीन है। छाछ उसमें से आ रही है इस ड्रम में से, इसमें पैकिंग होता है। अभी मशीन तो मटेरियल है नहीं इसलिए डेमो नहीं दिखा सकते, पर उसकी वीडियो बहुत है, यूट्यूब में से डाल देंगे। जय गौ माता। बहुत समय से मैं इस प्रतीक्षा में और इस खोज में था कि कोई ऐसे मार्गदर्शक मिले जो गौ पर बहुत वर्षों से जिन्होंने अनुसंधान किया हो, अपना जीवन समर्पित किया हो, और गौ भक्ति के साथ साथ में हमारी भारतीय संस्कृति भी संरक्षित रहे, ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व की खोज कर रहा था। मुझे कुछ ही दिनों पूर्व संयोग वसात हमारे रमेश भाई रूपारेलिया आपसे बड़ा स्नेह का हमारा मिलाप हुआ, और खेड़ापा में जो भी आपने बताया था उसी अनुरूप खेड़ापा में एक गिर गोवंश वहाँ पर गुजरात से लेकर के गए थे और उनके पूजन का उत्सव था। तब रमेश भाई वहाँ पधारे और अपने कुछ अनुभव की बात वहाँ पर हमारे गुरु महाराज पूज्य खेड़ापा महाराज जी के सानिध्य में वो आयोजन हुआ था और वहाँ आपने बात बताई तो हम उससे बहुत प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर के मैंने विचार किया कि मैं उस जगह चलूँ जहाँ पर इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, गौ के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और अपने जीवन में एक नया विश्व स्तर का बहुत बड़ा कार्य करना प्रारंभ किया है। तो आज मैं यहाँ गोंडल के पास में जो आपका यहाँ कृषि क्षेत्र है, गौशाला का ये प्रांगण है, यहाँ पर मैं आज आया हूँ और यहाँ आकर के मैंने पूरे इस क्षेत्र का भ्रमण किया है जहाँ पर गोवंश है, गोमाता है, और कितनी स्वस्थ गोमाता है, कैसी गोमाता की यहाँ पर सेवा होती है। एक एक गोमाता के गोवंश का, उनके वंश का भी उनको ज्ञान है, एक एक गौ माता का नाम तक आपको पता है और पूरे वंश की जानकारी है, और साथ ही साथ में गौ के द्वारा गौ आधारित जो आजकल लोगों को स्वास्थ्य का लाभ भी हो, और साथ साथ में हमारे राजस्थान में नहीं कई लोगों की मान्यता ऐसी है कि देसी गाय, मतलब गाय केवल मात्र उसको हम खर्चा करें और मिलता हमें भैंस और आदि से, उससे दूध से हमें प्रोडक्शन से कुछ मिल सकता है, गाय के द्वारा हमें मिलने वाला कुछ नहीं, ऐसी लोगों की धारणाएं घुस गई है दिमाग में। लेकिन यह लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। गाय के द्वारा सबसे बड़ी बात तो है कि हमें उनकी कृपा मिलती है, वो तो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र से देखा जाए, लेकिन अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक गाय के द्वारा हम सही तरीके से अगर कुछ हमारा आर्थिक लाभ भी प्राप्त करना चाहें तो एक गाय का गोवंश भी हमारे पूरे परिवार नहीं, हाँ परिवार का यश के साथ में हमारे परिवार का भरण पोषण भी कर सकता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भारतीय धार्मिक और गौ आधारित हमारा देश रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से। तो मैं आज यहाँ आकर के एक मॉडल रूप से जो इन्होंने अपना जीवन 25, 30, 40 वर्षों से जो समर्पित किया है उस पर मैंने यहाँ पर जो इनके भाव, इनका यहाँ का जो चाहे गो प्रोडक्शन हो, चाहे जैविक प्रोडक्शन हो, सब कुछ यहाँ पर देखा तो यह अनुकरणीय मुझे लगा। मेरे साथ में हमारे राम संत देवाराम जी, हमारे खेड़ापा के युवा संत रामचंद्र जी, ये भी आए हैं, इन्होंने भी बड़ी रुचि से ये कैसे प्रोडक्शन को तैयार करना, कैसे उनकी सेल करना, कैसे युवाओं को जागृत करना। सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ पर युवा लोग आए और वो जागृति प्राप्त कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ वर्कर्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, अपने घर के सदस्य
और युवा सदस्य है, ये भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं युवाओं से ये अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में हम चाहे कितनी उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ले, लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति को बचाने के साथ साथ में ऐसा कुछ कार्य करें जो हमारे धर्म पर आधारित हो, संस्कृति को बचाने का, तो वो इस जगह आकर के और यहाँ आकर के यहाँ के जो भी निर्देशन, विशेष करके YouTube पर, Facebook पर, इस गिर जतन गौशाला, गिर गौशाला का रमेश भाई रूपा रेवलिया के नाम से जो भी निर्देशन प्राप्त होता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखें और यहाँ आकर के भी प्रैक्टिकली देखें तो बहुत विशेष अनुभव होगा। तो आज मैं आकर के बहुत अभिभूत हूँ और बहुत ही प्रभावित हूँ, और मेरे मन में भी बहुत समय से, रामचंद्र जी के मन में बहुत समय से ऐसा विचार चल रहा है कि हम भी रामधाम खेड़ापा की तरफ से स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्शन, आयुर्वेद का हो, गो आधारित प्रोडक्शन हो, वो हम यहाँ से रामधाम खेड़ापा से निकालें, उसमें हमारे को मार्गदर्शन मिलेगा श्री रमेश भाई का, और उस मार्गदर्शन के आधार पर हम लोग भी रामधाम खेड़ापा से गो आधारित प्रोडक्शन, कृषि आधारित प्रोडक्शन हम वहाँ से निकालने का विचार कर रहे हैं। तो आज बड़ी प्रसन्नता है, और ख़ास करके आपने जो वेदों से, पुराणों से जो गौ का महत्व आपने पाया है, और गौ वंशावली, ये बहुत अद्भुत और बहुत ही विलक्षण हम निर्देश प्राप्त करेंगे कि क्या चीज़ है और क्या इसमें 7 जनरेशन तक के नाम रखते हैं, 7 पीढ़ी इसमें लिखी रहती है, यहाँ की जो गाय है ये सब इनका रिकॉर्ड है। अच्छा, फिर 7 के बाद में फिर वापस जैसे ऐसे चैप्टर बन जाता है, नया बुक में आ जाएगा। तो इसमें भी गौ में भी यही होता है कि जैसे माता, पुत्र, पुत्री, तो वो ब्रीड का बड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यदि वो नहीं किया तो फिर अपने कोई गोपालन है ही नहीं, वो गलत है। मैंने जब तक आज से 5-7 वर्ष पहले देखा, 10 वर्ष पहले, तो एक ही सांड पूरे गांव में रखते थे, उसी से ब्रीडिंग होती थी, जो भी गाय, गांव की गाय आ गई तो चाहे उसकी बच्ची है, तो भी ये धर्म आधारित शास्त्र दृष्टिकोण से गलत है, वो गलत है, ये एकदम सही है। भले आप सादे कागज में लिखो, हाँ, या तो आप कोई किताब में लिख दो, पर आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड होना। हाँ, क्योंकि आज जैसे मेरे यहाँ से आप गाय ले गए, एक नंदिनी गाय ले गए, अब 5 साल के बाद यहाँ से कोई नंदिनी का बछड़ा ले गया आपके गांव के एकदम बगल में, और वो बछड़ा बहुत सुंदर है, आपको पता चला तो आप जाके अपनी गाय को ब्रीड करवा लिया, वो है बछड़ा, वो माँ बेटा करता है ना, तो वो महापाप का काम है, करना है तो पूरा दम के करना है, लड़ के करना है, अटके करना है, ऐसा नहीं फालतू ऊपर का काम करके अपना नाम करने के लिए काम करना, ऐसा नहीं। अपने मरने के बाद भी ये 10 पीढ़ी तक पता चलेगा, और उसके ये यहाँ नंबर लिखा जाएगा, अभी काम हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इसमें हिरल लिखा है ना, तो यहाँ हिरल का नंबर लिखा जाएगा, उस वही नंबर उसके कान में होगा। अच्छा, बात खत्म। हाँ, और उसके थापे में होगा, और रिकॉर्ड चढ़ जाएगा पूरा। और गाय की आयु कितनी होती है अमूमन? 35, अभी 30-35 के आसपास रहता है, तो कोई समय में ज़्यादा भी हुआ करती थी, आगे आगे थी, आगे तो 60-60 साल की आयु गाय थी, आज से 200 साल पहले। अच्छा, जैसे मनुष्यों की आयु पे असर पड़ा है वैसे इनकी, और ये असर सारा खाने पीने पे ही पड़ा, बिल्कुल जहर से ही आया है। Yeah.